यस जी मींस 12 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करते हैं। अगर इस पेपर को देखें हम तो शिफ्ट वन और शिफ्ट टू का पेपर बिल्कुल ऐसा था, मैनेजेबल पेपर था, टफ नहीं था और इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन थे जिनमें टाइम कंज्यूम हो रहा था, अदरवाइज इन ऑल देखें तो 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कम टाइम में कर सकते थे अगर आप लॉजिकली फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, अगर 12th बेस्ट स्ट्रांग है। देखिए जैसे एक प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है परम्यूटेशन का है, अ टीम ऑफ 3 पर्सन विथ एटलीस्ट वन बॉय एंड एटलीस्ट वन गर्ल, यानी वन बॉय वन गर्ल बोला है एटलीस्ट, तो इसका मतलब जो सेकेंड पर्सन है वो बॉय भी हो सकता है गर्ल भी, इज टू बी फॉर्म्ड फाइव बॉयज एंड एन गर्ल्स। इफ द नंबर ऑफ सच टीम इज 1750 देन नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ एन, मतलब फाइव बॉयज और एन गर्ल्स से आप एटलीस्ट वन बॉय वन गर्ल की टीम बनाते हैं 3 पर्सन की, तो आपको बताना है कि गर्ल्स के नंबर्स कितने हो सकते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए हो सकता है वन बॉय हो तो 5c1 तो उस केस में 2 गर्ल्स होंगी, और हो सकता है 2 बॉयज हो 5c2 तो उस केस में 1 गर्ल होगी, और इसका समीशन दिया है 1750। आप इसे लॉजिक से भी कर सकते थे, कैसे देखिए, सबसे पहले 5c1 इज 5, nc2 ही रहने दें, 5c2 इज 5 4 10 इंटू nc1 इक्वल टू 1750। अगर आप देखें तो ये 5 है और ये 10 और ये 1750, इसका मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर है कि 1750 जब ही आ सकता है जब 5 का मल्टीपल हो और 5 का मल्टीपल एक ही है, यानी आंसर इज 25, यानी आप डायरेक्टली इसको कर सकते थे। बाकी मेथड से करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप इसको सॉल्व करते, 5 चाहो तो कॉमन ले लेते, n n-1/2 + 2n इक्वल टू 1750। आप चाहे तो यहाँ पर n की वैल्यू रख के भी निकाल सकते थे, कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि एक तो 1750 है, ये 4 से डिवाइड नहीं होता इसलिए 24 वाले मल्टीपल्स भी नहीं हो सकते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल एक ही नंबर ऐसा था जिसके मल्टीप्लाई से इजीली 0 आता, अब आप इसमें 25 रखते तो देखिए क्या आंसर आता है, 25 × 24/2 यानी 12 + 50, राइट, तो 5 × ये हो गया 300 + 50 एंड देन 5 × 350, ये देखिए आंसर आ गया 1750। यानी इस क्वेश्चन को लॉजिक से करते तो बहुत जल्दी आप बता सकते थे, और क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि एन नंबर ऑफ गर्ल्स थी, 5 नंबर ऑफ बॉयज थे, 3 की टीम बनानी थी, एटलीस्ट वन बॉय वन गर्ल उस टीम में चाहिए ही था आपको, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए इंटीग्रल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लग भी सकता है पर क्वेश्चन टफ नहीं था, करने के स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्वेश्चन है, 10x-10α/10x+10α dx = fx cos 2α + gx sin 2α + c देन fx and gx। अब एक बात नोटिस करिए, fx के साथ cos 2α और sin x के साथ sin 2α के साथ gx है, यानी cos और sin में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम sin cos में अगर चेंज कर दें तो ये है sin x माइनस अल्फा और ये है sin x प्लस अल्फा। ट्राई करा करें, हर एक स्टेप मैटर करती है, हर छोटी छोटी स्टेप सेव करने के अगर डाली, अगर आप ये स्टेप लिखते हैं तो आप खुद सोचिए कि आपका कितना टाइम किल होता है। इन सब की जितनी अच्छी आदत है आप बनाएंगे, देखिए सबसे अच्छी टेक्निक भी यही होती है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, आपने एलसीएम लिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये इससे कैंसिल साइन ए कॉस बी, तो आपका टाइम बहुत बचेगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको याद होगा हमने इनडेफिनेट में किए हुए हैं, कि अगर नीचे कुछ आ रहा है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा, आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा और फिर आप इसमें प्लस अल्फा माइनस अल्फा कर देते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को रिलेट करना आना चाहिए, कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसके थ्रू ही क्वेश्चन करना है, यानी आपको अलग से कुछ नहीं सोचना है। अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस अल्फा है तो एक काम कर सकते हैं, यहीं के स्टेप में देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस अल्फा और -2α। अच्छा -2α लिखने का एक और बात होगा कि यहाँ 2α आ भी जब ही रहा होगा, तो अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो देखिए एक स्टेप में लिख सकते हो, ये स्टेप भी नहीं लिखना चाहिए, साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस 2α माइनस कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन 2α अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा, आप डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, कैसे, ये इससे कैंसिल तो ये कितना आ गया एक्स कॉस 2α, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, यहां पर ये हो गया कॉट तो माइनस ऑफ साइन 2α, और कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है लॉग साइन एक्स यानी ln साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस ऑफ सी। अब आप कंपेयर करें तो सबसे पहले कॉस 2α के साथ एक्स है यानी एफ एक्स हो गया एक्स, अच्छा यहां पर प्लस साइन है, नोटिस करिएगा प्लस साइन होने से ये हुआ कि साइन 2α के बाद जो बचा वो कहलाएगा जी एक्स, तो जी एक्स क्या हो गया माइनस एल एन
साइन एक्स प्लस अल्फा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। कितना अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल। बस इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपसे बोलूंगा, स्टेप सेव करेंगे तो अच्छा, अदरवाइज स्टेप ज्यादा लिखी तो टाइम लग सकता है, बाकी क्वेश्चन में कोई टफ नहीं था। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा, टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट, वेयर जीरो टू पाई बाय फोर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय टू। इस तरह के क्वेश्चन आपको पता है, ये वाई है, ये टी है, मतलब टी इक्वल टू हो गया एक तरह से एक्स बाय टू, चाहो तो एक्स को टू टी लिख सकते हो जो आगे लिख दोगे, और ये ऐसा हो गया। अब अगर मैं इसमें साइन का डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसमें या साइन एक्स का डिवाइड कर दें तो ऐसा मिलेगा वन अपॉन कॉस का डिवाइड कर दे, वन अपॉन टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, सॉरी टेन एक्स माइनस वन, अगर मैं किसका कॉस एक्स का डिवाइड कर दूं। अब यहां पर वन माइनस टेन एक्स लिख लेते तो ज्यादा अच्छा होता, तो माइनस बाहर आ गया और ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई फोर, मीन्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर, देन वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ये हो जाएगा टू टी माइनस पाई बाई फोर, डिफ्रेंशिएशन किया तो डी वाई बाई डी टी ही पूछा है तो डायरेक्टली माइनस ऑफ टू। अब एक चीज याद रखिएगा, मैंने यहां पे क्या किया है, सबसे पहले टेन इनवर्स ऐसा था, ये टेन एक्स माइनस वन, नीचे से माइनस कॉमन लिया, ऊपर प्लस वन था, नीचे से माइनस लिया तो वन माइनस टेन एक्स, और टेन इनवर्स माइनस थीटा माइनस टेन इनवर्स थीटा, और ये हो गया टेन एक्स प्लस पाई बाई फोर, ओपन कर दिया तो एक्स प्लस पाई बाई फोर पर आगे माइनस था, और यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू ये करना था तो एक्स की वैल्यू टू टी थी, डायरेक्टली टू टी पुट कर दिया, और डी वाई बाई डी टी ही पूछा था तो आंसर हो गया माइनस टू। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, और लिमिट का क्वेश्चन है, दिखने में काफी बड़ा है, मैं आपको इसको सिंपल टेक्निक से बताता हूं क्या करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन। मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपको याद हो कि जब भी एक्स टेंस टू जीरो हो, जब भी एक्स टेंस टू जीरो हो तो आप साइन एक्स को एक्स लिख लें, एक बात। दूसरा, इसका रेस्टराइजिंग फैक्टर ऊपर आएगा, उसको भी डायरेक्ट करते हुए चले, तो हमारे पास पहली स्टेप ये होना चाहिए एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स। अब नीचे देखिए, इसको रेस्टलाइज करेंगे तो ऐसा मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक पोर्शन आ गया, इनटू इसका रेस्टलाइजिंग फैक्टर जिसमें डायरेक्टली एक्स के प्लेस पे जीरो रख दो तो वन प्लस वन, ये मिल गया। राइट, अब समझिए यहां पर आपके पास क्या क्या बचा, जो बची हुई चीजें उनको देख लीजिए, तो ये हो गया सिक्स एक्स अपॉन सिक्स एक्स अपॉन, देखिए कितना आ गया एक्स स्क्वायर हो गया टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स में से एक्स सब्ट्रैक्ट हुआ तो बचा कितना प्लस का एक्स, और वन से वन कैंसिल, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपने एक्स नीचे से कैंसिल कर दिया तो सिक्स अपॉन टू एक्स प्लस वन, एक्स के प्लेस पे जीरो रख दिया तो आंसर विल बी सिक्स। यानी जिस क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा भी टाइम ले सकते थे, उसको मैंने आपको जिस टेक्निक से लिमिट पढ़ाया आप करोगे एक एक स्टेप में कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं क्या किया, सबसे पहले एक्स टेंस टू जीरो पे साइन एक्स को एक्स लिखा, रेस्टराइजिंग फैक्टर को डायरेक्टली आपने मेंटली सॉल्व किया, क्योंकि जब आप इसको रेस्टलाइज करते तो पीछे प्लस आ जाता तो ये मिलता वन और ये मिलता वन, तो उससे मिलता टू, ये टू मैंने डायरेक्टली ऊपर लिखा है, और यहां पर सीधा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर करते तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन। यानी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स अगर आपकी अच्छी है तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझते हैं। वन प्लस कॉस का थीटा साइन स्क्वायर थीटा फोर कॉस सिक्स थीटा, कॉस का थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा फोर कॉस सिक्स थीटा वन प्लस। अब जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, तो आप इसको अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये टू मिल जाएगा, ये भी टू मिल जाएगा, ये वन मिल जाएगा, बट इसके अलावा और क्या हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू जीरो दिया, थीटा की वैल्यू बतानी। एक और तरीका हो सकता था मेरे पास कि अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं तो यहां मिलेगा वन, इसको अगर मैं इसके साथ माइनस कर दूं तो ये मिलेगा माइनस वन, और इसके साथ माइनस किया तो जीरो। राइट, इसको भी इससे माइनस ही करके चल देते हैं, इसको इससे माइनस किया तो जीरो, ये आया वन और ये आ गया माइनस ऑफ वन। देखिए कितना इजी हो गया, आपने दो ऐसी जीरो बना ली। अब यहाँ क्या क्या बचा, कॉस का थीटा, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा, और ये मिला वन प्लस फोर कॉस सिक्स थीटा ओनली। राइट, यानी इतनी सी स्टेप्स में भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। फिर समझिए, सबसे पहले आपने क्या किया, R1 में आर टू को माइनस किया तो यहाँ मिल गया वन, यहाँ मिल गया माइनस वन और यहाँ मिल गया जीरो।
फिर आर थ्री में से आर टू को माइनस, सॉरी आर टू में आर थ्री को माइनस कर दिया तो ये हो गया जीरो, ये मिला प्लस का वन, वो मिल गया माइनस का वन। अब ये एक रिजल्ट आ गया। अब चाहो तो इसके बाद आप अगर इसको इससे ऐड कर दो तो एक एडवांटेज होगा, ये भी एक जीरो हो जाएगा। मतलब आप चाहो तो ऐसा लिख सकते थे, देखो वन जीरो कॉस का थीटा, इसको ऐड किया तो ये जीरो, इसको ऐड किया तो वन, इसको ऐड किया तो ये वन, ये ऐसा ही रहने दें, आपके स्टेप्स अपने आप ही कम हो गए। अब केवल इस वन के लिए ही सॉल्व होना है, तो दिस प्लस ऑफ दिस यानी कितना आ गया, वन प्लस फोर कॉस सिक्स थीटा प्लस ऑफ वन इक्वल टू जीरो। यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉस सिक्स थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाय टू, राइट? कॉस सिक्स थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाय टू। अब आप इसमें ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए सपोज पाई बाई नाइन रख दूं तो क्या आएगा, कॉस सिक्स इंटू पाई बाई नाइन यानी टू बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री माइनस थ्री होता है, दिस इज द राइट आंसर। कॉस सिक्स थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ऐसा भी बोल सकते हो सिक्स थीटा इक्वल टू टू पाई बाई थ्री देन थीटा इक्वल टू पाई बाई नाइन, राइट? दिस इज द राइट आंसर। यानी ये क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा दिख रहा था, पर थोड़ा स्मार्ट स्किल से करते तो बहुत ही कम समय में मिनिमम कैलकुलेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। पहले ये दो ऑपरेशन माइनस किया और फिर बाद में सी टू में सी वन को ऐड कर दिया, तो एक और ये साइन थीटा खत्म हो गया, ये एडवांटेज हुआ, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन।